नमस्कार, मैं अमित भोबिया। बहुत से साथी इस बात को लेकर परेशान हैं कि कॉटन की फसल के बारे में हम क्या करें, क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार कॉटन की खेती में घाटा लग रहा है, यानी नरमे की खेती में घाटा लग रहा है। ऐसे में किसान बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि गुलाबी सुंडी का अटैक इस साल भी हो सकता है, ऐसी उनकी चिंता है। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, केवल इतना ही एरिया नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, हर एरिए का किसान जो है वो गुलाबी सुंडी से परेशान है। और हमारे एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ या तो धान की फसल बोली जाएगी या फिर खेत के कुछ हिस्से में जो है नरमे की फसल जो है वो बोली जाएगी, यानी कॉटन की खेती कर ली जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर वो फार्मर्स केवल धान की खेती करेंगे तो पानी की कमी रहेगी, तो पूरे के पूरे धान को संभालना, उसे पकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अब वो सोच रहे हैं कि कॉटन की खेती करें या नहीं करें, क्योंकि कॉटन के रेट अच्छे जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉटन खेत में हो ही नहीं रहा, गुलाबी सुंडी जो है उसको पूरे के पूरे खेत को खत्म कर दे रही है। तो ऐसे में किसानों की चिंता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और ये चिंता पहुंच गई देश की पार्लियामेंट तक। और पार्लियामेंट के अंदर, यानी राज्यसभा के अंदर, देखा गया कि भारत के जो कृषि राज्य मंत्री हैं, उन्होंने, जिनका नाम कैलाश चौधरी है, उन्होंने 8 दिसंबर 2023 को एक लिखित जवाब दिया, और उस जवाब में उन्होंने राज्यसभा के सामने एक प्रस्ताव रखा, और वो प्रस्ताव था एक नई वैरायटी का, और वो वैरायटी थी देसी कपास की वैरायटी। अगर आप इस प्रेस रिलीज को अच्छे से देख पा रहे हैं तो इसके अंदर आपको नजर आएगा कि कैलाश चौधरी ने गॉसिपियम एर्बोरियम के कुछ वैरायटीज के बारे में जिक्र किया है, यानी ये देसी कपास की वैरायटी है, तो इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि आप इसकी खेती कर सकते हैं। और पिछली बार मेरे कुछ किसानों से बात हुई तो उन्होंने भी मुझे बताया कि जो नरमे की फसल है, यानी नरमे का पौधा कुछ ऐसा होता है, इसकी जो फसल है उसके अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक है, लेकिन जो कपास है, देसी कपास, उसके अंदर किसी भी प्रकार का गुलाबी सुंडी का अटैक अभी तक नहीं देखा गया। तो ऐसे में आप लोग अच्छी लेबर की व्यवस्था अगर कर पाएं तो आप ऐसे में कपास की खेती जो है वो कर सकते हैं, यानी देसी कपास की खेती कर सकते हैं। मतलब साफ है कि देश के अंदर 70G एर्बोरियम, यानी देसी कपास की 70 वैरायटियां निकाली गई हैं। इनमें से PA 740, PA 810, PA 812, PA 837, ये 4 वैरायटी वो है जिनका स्टेपल 28 mm से लेके 31 mm तक का है, यानी बहुत लंबा है, और बाकी 73 वैरायटियां ऐसी है जिनका स्टेपल 16 mm से लेके 28 mm के बीच में होता है। तो ऐसे में अगर आपको ये 4 वैरायटी मिलती हो देसी कपास की तो ये लगा लीजिएगा, अन्यथा दूसरी कोई देसी कपास लगा लीजिएगा, लेकिन लगाइएगा देसी कपास, क्योंकि इसके अंदर बीमारी नहीं आएगी। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहिए ABC इंडिया।